फीटल की जो ग्रोथ है उसका पोजीशन कैसा है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है कि वो जो बच्चा है वो घूमता रहता है वोम में, तो आप उसको अल्ट्रासाउंड से चेक करते रहोगे कि वो किस कौन से पोजीशन पे है। उस तरीके से आप उनको रेमेडीज़ बताओगे कि कैसे अपने आप को सही रखना है कि वो नॉर्मल पोजीशन। डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उनका कहना है कि किसी भी तरह का दुनिया का कोई भी ऑपरेशन हमारे यहाँ होगा और दाग तक नहीं रहेगा। महिलाओं में भी ऐसा, चूँकि ऑपरेशन करके बच्चा पैदा होते हैं, तो क्या महिला के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो आधुनिक मशीन है, बच्चे का ऑपरेशन होता है तो महिला का भी पेट में दाग नहीं रहेगा? नहीं, आने के लिए ये सुखद संयोग है कि यहाँ पे इस तरह के नए आधुनिक हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी और हम 24/7 यहाँ सुविधा उपलब्ध है, तो ये बेहतर से बेहतर इलाज मिले लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी। इसके ये बहुत अच्छी पहल है। इसका हम जो लोग विदेश में रहता है, दुबई और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, वो तो अपने मातृभूमि को लोग भूल जा रहा है, और यहाँ देखा गया आप लोग के संस्कृति और सभ्यता की, आपकी माँ की आंखें डबडबा गई कि नहीं, बच्चे हमेशा जो बच्चे होते हैं बच्चों के लिए माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन आज आपकी माँ ने कह दिया कि हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान है, बहुत बड़ी बात। विदेश जाके भूल जाते हैं अपने लोगों को, कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दुबई, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं देखा गया। आपके बच्चे जो है वह दुबई में रहने के बावजूद भी अपने यहाँ अपने देश को अपने गाँव को डेवलप। बेटा मेरा ऐसा है कि मेरा माँ के पूछे एक कदम नहीं डालता है, मेरा बेटा मेरे लिए भगवान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल आज हम लोग के आरा शहर में खुला है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन सर। और हर्षवर्धन सर के बारे में यदि हम बात करें तो शायद जो भी इनका नाम सुना होगा या जो भी इनके बारे में जानता होगा उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि अपने आप में बहुत ही माहिर डॉक्टर है, चाहे जिस क्षेत्र में कहा जाए। सर के सानिध्य में या और भी जितने भी डॉक्टर यहाँ पे हैं, आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, अपने आप में काफ़ी लाजवाब है, खूबसूरती तो है ही, डॉक्टर भी अच्छे अच्छे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है, सो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से मिलवाना चाहेंगे, कैसे हैं सर जी? नमस्कार, धन्यवाद सर। आरा निश्चित तौर से हॉस्पिटल तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने जितना सुंदर तरीके से इसको बनाया है या जो भी व्यवस्था आप लोगों ने दिया है, क्या सोच है आगामी? आप लोगों ने यहाँ किस किस तरह की व्यवस्था आपने रखा है, क्या? देखिए सर्वप्रथम, चूंकि मैं विगत कई वर्षों से आरा आता रहा हूं, सप्ताह में एक दिन समय देता था ओपीडी बेसिस पर, जो मरीज हमें दिखाने आते थे उन लोगों का एक ही दर्द होता था कि सर एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए जहां 24 घंटे कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम आ सकें। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि एक जिला मुख्यालय में अगर 24 घंटे अस्पताल खुली नहीं रहती हो तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो अस्पताल तो बहुत है और मैं जानता भी नहीं हूँ कि कौन है किनका है, सभी ऑब्वियसली है कि सभी बड़े डॉक्टर साहब का ही होगा, लेकिन 24 घंटा सुविधा होना ये अदद ज़रूरी है, और ख़ासकर आज के समय में जब अगर कभी किसी मरीज को हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, गोली लग जाए, जहर खा ले, फांसी हो जाए, कोई भी आकस्मिक घटना घट सकती है, रोड एक्सीडेंट हो जाए, तो इन सब चीज़ों में इमरजेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बस यही सोच था और ये लगातार विगत 2021 से मैं लगभग बिहार के सभी जिला मुख्यालय में अस्पताल खोलने का एक संकल्प है, और उसी क्रम में मुंगेर इमरजेंसी अस्पताल है, फिर जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल है, और ये तीसरी कड़ी है आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल, और पटना में एक सेंट्रल हॉस्पिटल जो अभी 2-3 महीने में मूर्त रूप होने जा रहा है। तो यही परिकल्पित जो हमारे 24 घंटा आप रहेंगे या और भी डॉक्टर हैं? देखिए ये पूरी जब भी इमरजेंसी की बात होती है तो किसी एक सिंगल अथॉरिटी की या बस की बात नहीं होती है, ये पूरे इंटायर टीम की बात होती है, और इस टीम में क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं, न्यूरोफिजिशियन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब एनेस्थेटिक्स होते हैं, सर्जन होते हैं, गैस्ट्रो सर्जन होते हैं, ये पूरी टीम होती है, क्योंकि बेसिकली पूरी अपनी टीम सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में जो कंपनी है जो रन कर रही है वो सारा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें पूरी टीम 24 घंटे तैनात रहती है। कोर टीम में सभी डिपार्टमेंट्स के लगभग डॉक्टर्स मौजूद हैं और किसी भी परिस्थिति में किसी भी इमरजेंसी के लिए वो लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं, और कोई भी काम को, किसी भी क्रियाकलाप को, किसी भी इमरजेंसी को अंजाम देना ये हार्डली 2-3 घंटे की ज़रूरत है, और जिला मुख्यालय में कहीं भी हम लोग पहुँच के ये व्यवस्था देते हैं। और इसी क्रम में चूँकि जहाँ अस्पताल होता है वहाँ हमारे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट इंटेंसिविस्ट ऑलरेडी मौजूद रहते हैं हॉस्पिटल्स में, आरएमओ तीनों शिफ्ट में रहते हैं और एक सीनियर कंसल्टेंट भी मौजूद रहते हैं ताकि मरीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, पूरे शहर में
क्या कहा जाए, पूरे भोजपुर में, पूरे शाहबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आरा में एक ऐसा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है जहां पे 24 घंटा आपको डॉक्टर मिलेंगे और आपको एक अच्छी सुविधा मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि ये आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल है और आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने बताया। मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे आपको यहाँ पे डॉक्टर मौजूद मिलेंगे, एकदम आँख बंद करके कोई भी केस हो, किसी भी तरह का, किसी को तबीयत खराब हो या कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना हो या कुछ भी हो, यदि आपको लगे कि नहीं मुझे 12 बजे रात को, 1 बजे रात को जब आपकी ज़रूरत पड़े, तो एकदम आँख बंद करके आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में आना है, चूँकि निश्चित तौर से कोई ना कोई डॉक्टर मिलेंगे। निश्चित तौर से चिंता का विषय तो था ही शहर के लिए सर, कि यदि 12 बजे रात को या 2 बजे रात को लोग पूछता था कि कहाँ जाए, इमरजेंसी में भी डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन इमरजेंसी ये न रहते हुए भी आपने इसका नाम इमरजेंसी रखा और इस तरह का आप लोगों ने सुविधा दिया, वाकई इस आरा शहर के लिए भाई बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए पूरे शहरवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद। फीटल की जो ग्रोथ है उसका पोजिशन कैसा है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है कि वो जो बच्चा है वो घूमता रहता है वोम में, तो आप उसको अल्ट्रासाउंड से चेक करते रहोगे कि वो किस कौन से पोजीशन पे है, उस तरीके से आप उनको रेमेडीज़ बताओगे कि कैसे अपने आप को सही रखना है कि वो नॉर्मल पोजीशन। एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उनका कहना है कि किसी भी तरह का दुनिया का कोई भी ऑपरेशन हमारे यहाँ होगा और दाग तक नहीं रहेगा। महिलाओं में भी ऐसा, चूँकि ऑपरेशन करके बच्चा पैदा होते हैं, तो क्या महिला के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो आधुनिक मशीन है, बच्चे का ऑपरेशन होता है तो महिला का भी पेट में दाग नहीं रहेगा? देखिए अब उसका क्या है ना, और क्या कहेंगे सर, कितने कौन कौन डॉक्टर यहाँ? देखिए हमारे साथ टीम में डॉक्टर प्रशांत हैं जो यहीं के आरा के ही हैं, और डॉक्टर सानिया हैं उनकी पत्नी, और पूरे सर्जन में डॉक्टर शिवकिशोर हैं, एनेस्थेटिक्स में डॉक्टर मधुकांत हैं, न्यूरो सर्जन में डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर धनंजय हैं, गैस्ट्रो में डॉक्टर राकेश हैं, DM गैस्ट्रो में डॉक्टर गौरव हैं, एनेस्थेटिक्स में और भी टीम में मौजूद हैं डॉक्टर नवीन हैं, गायनों में भी हमारे टीम में डॉक्टर अनुराधा हैं, डॉक्टर अर्चना है। ये पूरी टीम इंटायरली बेसिकली कंपनी बेस्ड है और सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में ही सब काम करते हैं और 24 घंटे हम लोग तैनात रहते हैं। जांच वगैरह तमाम यहीं पे सब? दुनिया का कोई भी इलाज, कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट, कोई भी डायग्नोसिस, ये खोलने का उद्देश्य यही होता है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इमरजेंसी हो या किसी भी डायग्नोसिस के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े। जैसे कुछ चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अभी नहीं है क्योंकि उसके लिए कैथ लैब की व्यवस्था चाहिए, पैट स्कैन नहीं है उसके लिए बाहर बड़ी व्यवस्था चाहिए, तो उसके अलावा जो होता है वो बहुत इमरजेंसी भी चीज़ नहीं होता है। बाकी अगर हार्ट अटैक आता है तो पूरी टीम थ्रम्बोलाइसिस करने के लिए तैयार रहता है, वही दिन समय में अगर मरीज पहुंचता है तो ब्रेन हेमरेज होता है तो उसको टैकल करने के लिए रहता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, रोड एक्सीडेंट हो, तो पिछले गोली लग जाए, जहर खा ले, ये सब के लिए पूरा कंप्लीट इमरजेंसी के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो एक बहुत ही अच्छी खबर, और मैं बता दूं कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो आरा इमरजेंसी में आ जाना है, कभी भी आ जाना है, चाहे वो रात हो दिन हो, कोई मतलब नहीं है। सबसे दुखद बात ये होता था कि कभी कभी क्या होता था कि डॉक्टर साहब दवा लिख देते थे, बाहर में मेडिकलें बंद है, लेकिन यहाँ पर दवा, जाँच, कुछ भी करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, A to Z तमाम समस्याएं जो है उसका समाधान यहाँ पे होगा। और एक बेहतरीन संकल्प के साथ आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल का आज लंच हुआ, आज उद्घाटन हुआ, और बेहतरीन तरीके से कैसे क्या क्या और फैसिलिटी है, और भी कुछ डॉक्टर लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस हॉस्पिटल का जो जैसे बना हुआ है या जो भी इसका व्यवस्था है, तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सर से आपने देखा, तमाम समस्याओं का आपका समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। मुकेश यादव जी हैं अज्ञान प्रमुख हैं, क्या कहेंगे सर, ये जिस तरह का हॉस्पिटल आरा में एक बेहतरीन व्यवस्था दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, चाहे और भी तमाम डॉक्टर की टीम जो है, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? देखिए पहले मैं जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर साहब हैं, जो संचालक हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हॉस्पिटल बहुत अच्छा ढंग से, सुसज्जित ढंग से बनाया गया है और सिस्टम सारा जब देख रहे हैं जो अभी घूम घूम कर कि सारा सिस्टमेटिक है और अलग हर चीज़ अलग अलग व्यवस्था में है, ICU का अलग है, वेंटिलेटर का अलग है, मतलब हर चीज़ सिस्टम में है। आज जो इसका ओपनिंग है देखने से तो पता चलता है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल हम लोग का ये आरा के लिए साबित होगा। आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल इतना अत्याधुनिक और इतना सुसज्जित अस्पताल अभी आरा को जो मिला है, इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रशांत सिंह और उनकी पत्नी सानिया पूरे बधाई के पात्र हैं, और मनोज जी और टिंकू जी जो इस आरा शहर को, जो इस चीज़ को, नायाब चीज़ को दे दिए हैं, इसका कोई तुलना नहीं है। एक बड़ा शानदार हॉस्पिटल बना। सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत को बहुत बहुत बधाई
जो आरा के लिए इतना बड़ा सोच रखे और इतनी बड़ी संस्था का शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, भोजपुर वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। अभी तो पूरा सारा चीज़ का व्यवस्था है, एग्जाम्पल कार्डियक, नेफ्रो एंड न्यूरो और सारा चीज़ का ऑपरेशन, जो भी दुनिया का जो भी ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन है, क्योंकि हम लोग जब किया पेसमेकर लगाना, न्यूरो का जो न्यूरो का करना, नी रिप्लेसमेंट गनोटो को चेंज करना, जो ऐसा नहीं है, सारा लैब खोली, जो भी मशीन हम लोग के पास है सबसे लेटेस्ट एंड जो भी काम होगा लैब खोली मशीन से होगा, कोई दाग उग नहीं है, जो चीज़ का कटना पटना नहीं है, एकदम लेटेस्ट जो मशीन है वही हम लोग के पास, इस तरह का दाग भी नहीं है ऑपरेशन के बाद नहीं। अगर पाइल किसी को पाइल से अभी तो सुना होगा, हम लोग पहले पाइल से उसको ऑपरेशन करते हैं हम लोग, लेकिन उसको लेसर से ही करते हैं, क्योंकि दोबारा 5 साल तक उसको दोबारा नहीं आएंगे, पाइल्स का ऑपरेशन करेंगे 5 साल लेसर से करते हैं, उसको जला देते हैं उसको, बाकी तो काट की आदि ऑपरेशन करते हैं, तो दोबारा फिर उसको आगे से निकलेंगे, देखिए हम लोग जो है जहाँ तक है उधर अंदर जाके उसको पूरा जला देंगे, वो लेसर से होगा। आप किस चीज़ का स्पेशलिस्ट? हम जनरल फिजिशियन है। देख रहे हैं बहुत सारे ऑपरेशन आप लोग कराए होंगे, आप लोगों को जानकारी होगा, ऑपरेशन करने के बाद दाग तो रहता ही है, लेकिन आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में आपको एक आधुनिक तरीके से ऑपरेशन देखने को मिलेगा, जहां पे किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं मिलेगा, सर का कहना है। और इतना ही नहीं, तमाम व्यवस्थाएँ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, एक बार मरीज आपका यहाँ आ गया तो फिर बाहर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, एकदम यहाँ से ठीक होकर ही जाएगा, चूँकि यहाँ दवा भी यहाँ मिलता है, ऑपरेशन दुनिया का कोई भी ऑपरेशन यहाँ हो सकता है और तमाम बीमारियों का इलाज, दुनिया में कोई भी बीमारी हो उसका इलाज यहाँ पे होगा। जो भी मरीज रहता है हॉस्पिटल में, मरीज का आदमी के सामने दवा चलाता है, अगर ICU में पटना का कोई भी ICU में सबको मान लीजिए एक बार दवा लेके आप दे दिए अंदर, आप वगैरह में तो सुनने में आता है कि लोग मर गया दवा चल रहा है, नहीं दवा दे दिए अंदर आपको पता ही नहीं, लेकिन हम लोग क्या है, आप कितना 1 रुपये का दवाई हो 1 लाख का दवाई हो आप ले आइए, आपका मरीज के सामने आप बैठिए, मरीज के सामने अटेंडर बैठ की सामने दवा चलाते हैं, मतलब मरीज के सामने भी ICU भी हो, ICU भी सामने ICU में भी अटेंडर जब दवा चलाएगा अटेंडर को अलाउड है, अटेंडर को बैठ की तब दवा चलाना है, नहीं तो हम लोग दवा नहीं देते। तो कहीं भी डार्क, आप बिल्कुल डार्क में नहीं रहेंगे, आपके सामने सब कुछ होगा, दवा हो या फिर जो भी ICU में पेशेंट है तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो एकदम आरा इमरजेंसीज का नाम इसीलिए है क्योंकि इमरजेंसी सुविधा मुहैया करता है, चाहे आपको कहीं से भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, आँख बंद करके आ जाना है आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में, यहाँ तमाम सुविधाएँ आपको मिलेगी, यहाँ से बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हर व्यवस्थाएँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 24 आवर डॉक्टर का ही है, 24 आवर डॉक्टर रहता है इसमें, 3 शिफ्ट में ड्यूटी, डॉक्टर को 3 शिफ्ट में बैठना ही है, उसको 3 डॉक्टर के अलावा हम हैं, मेरे ऊपर सारा है, 2 सर लोग हैं, प्रशांत सर भी है, हर्षवर्धन सर भी है, कहीं एनी टाइम आपको 5 डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा, और 24 आवर आराम हो जो मरीज के सामने ड्यूटी डॉक्टर जो बैठते रहेंगे। धन्यवाद सर समय देने के लिए, और कुछ लोगों से हम बात कराएंगे, फिलहाल आपको हॉस्पिटल का सीन दिखा रहे हैं, बहुत ही विधिवत तरीके से तमाम आधुनिक मशीन लगाए गए हैं और जिससे आपको कहीं भी किसी भी तरह के इलाज कराने में कोई परेशानी नहीं हो। सानिया सिंह जी, जी मैम क्या कहना चाहेंगे, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? जी गायनेक डिपार्टमेंट मोस्टली, और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे मिलने वाला है? मोस्टली देखिए इमरजेंसी किसी भी बीमारी का जो सबसे पहला प्रेरिक्विजिटिव है वो इमरजेंसी होता है, कोई भी, चाहे वो गायनेक इमरजेंसी हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो न्यूरो हो, बर्न, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, एनीथिंग, तो सबसे जो बेसिक इनिशियल असेसमेंट है पेशेंट को स्टेबल करना जो इमरजेंसी सेटिंग में होता है, चाहे वो मान लीजिए गायनेक पेशेंट है जो प्री एक्लैम्प्शिया में है जिसका BP ऑलरेडी शूट अप हो गया, तो वहाँ पर सबसे पहले उसके BP को हम स्टेबल करेंगे, अब मान लीजिए रप्चर हो गया मेम्ब्रेन तो उसको आप स्टेबल कर रहे हैं, आप IV फ्लूइड्स चढ़ा रहे हैं, आप उनको एंटी हाइपरटेंसिव इंजेक्शन दे रहे हैं, तो बेसिक मैनेजमेंट में हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो बेसिक जो इमरजेंसी सेटिंग है उसका है। एंड गायनेक की बात करें तो गायनेक डिपार्टमेंट में जो रहेगा कि अब एक लेडी है वो प्री कंसेप्शन से लेकर मान लीजिए उनकी शिकायत है कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो जो कंसेप्शन से पहले का प्री कंसेप्शन पीरियड है उनकी दवाइयों से लेकर उनकी जो भी प्रेगनेंसी 9 महीने को हम जो डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में, 1st, 2nd, and 3rd, उन तीनों ट्राइमेस्टर को हर 9 महीने पे उनको फॉलो थ्रू आउट हम चेकअप, उनकी जितनी भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उनका ग्लूकोज से लेके BP हो गया, उनका यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एंटीनेटल विजिट, जितने भी लाइक प्रॉपर, वैसे 17 होने चाहिए बट जो मिनिमम है 4 एंटीनेटल विजिट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रेगनेंट फीमेल टू विजिट,
तो मेकिंग श्योर कि प्रॉपर अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस हो उनका, उनके मेडिकेशंस प्रॉपर चले थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सो दैट उनको कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन जैसे प्रेगनेंसी में आती है, बीपी शूट अप हो गया या सीजर्स आ रहे हैं, उनको चक्कर आ रहा है, तो ये सब हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इफ़ हम पहले से ही उसका डायग्नोसिस या उनको थ्रू आउट फॉलो अप करें कि उनका कैसा चल रहा है, फीटल ग्रोथ देखें स्कैन करके कि फिर हमारी ना बॉडी में स्किन लाइन्स होती हैं, ठीक है, तो अगर आप स्किन लाइन पोजिशन दे रहे हैं तो उसकी हीलिंग बेटर होगी। जैसे कि स्किन लाइन है पूरे बॉडी में, उसको लैंगर लाइन्स बोलते हैं, तो अगर आप उस पर इंसिजन दीजिएगा, आप उसका कॉस्मेटिकली आप ऐसे इंसिजन दीजिए कि वो बेटर दिखे, वो स्कार विजिबल ना हो। अब सीधे सीधे आपको पता है कि आप थोड़े से भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो इंसिजन बिल्कुल स्कार ऐसी चीज़ है कि आप कॉस्मेटिकली डर्मा डॉक्टर प्रशांत है ही टू टेक केयर ऑफ, आखिर आप अच्छी मेडिसिन दें तो स्कार नहीं रहता है। बहुत हीलिंग के लिए आप विटामिन सी दीजिए, उनको प्रॉपर डाइट बताइए, तो कोई भी हीलिंग आप, तो ये नॉर्मल एक प्रेगनेंसी स्कार तो कुछ नहीं है, लोगों का नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरी से पूरा चेहरा जो है वो ग्लो अप करता है, तो कॉस्मेटिकली हम बहुत इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चूँकि गाइनो में सिर्फ आप हैं यहाँ पर, 2400 घंटा इमरजेंसी खुला रहेगा, तो रात गाइनो में और भी है? हाँ, और भी डॉक्टर्स हैं, उनका मुझे अभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन, बट हैं और भी 2400 घंटा यहाँ पे तमाम। डेफिनेटली डॉक्टर्स, देखिए ऑन ड्यूटी डॉक्टर को कोई ना कोई तो रहना ही चाहिए नो मैटर व्हाट, कि एक डॉक्टर तो 24/7 रहेगा ही रहेगा। स्पेशलिस्ट का क्या है, वो भी रहेंगे, जब भी ऑन कॉल उनको आना होगा तो आएंगे। थैंक यू मैम। तो आप देख रहे थे मैडम गाइनो से हैं, गाइनो स्पेशलिस्ट हैं, हालांकि तमाम आधुनिक सुविधा से लैस है ये हॉस्पिटल, आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, और भी तमाम जो भी डॉक्टर लोग हैं उन लोगों से भी बात कराएंगे। 2400 घंटा आप किसी भी तरह का कोई भी बीमारी यदि है तो आप आँख बंद करके आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में आ सकते हैं, यहाँ 2400 घंटा कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिलेगा। आप देखिए, मैं आपको बता दूँ कि होटल ग्रांड तो आप जानते ही होंगे, होटल ग्रांड के बबलू जी और मनोज जी, टिंकू जी, उनकी माता जी हैं, इन्होंने आज इस हॉस्पिटल को इन्होंने उद्घाटन किया, और सबसे बड़ा संस्कार का परिचय देते हुए इन्होंने, तमाम लोग जो होते हैं किसी मंत्री विधायक नेता या किसी और को बुलाते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी संस्कृति सभ्यता को दिखाते हुए माता जी से उद्घाटन कराया, कितना गर्व हो रहा है। बेटा मैं बहुत बेटा लोग के लिए मेहनत की है, पढ़ाई है लिखाए हैं, हमारा सब बेटा चारों सेटल हो गया, मेरा बहुत गर्व है आज कि मेरा बेटा इतना बढ़ गया, मैं यहाँ आ गया फीता काट। लोग तो विदेश जाके भूल जाते हैं अपने लोगों को, कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दुबई, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं देखा गया, आपके बच्चे जो है वह दुबई में रहने के बावजूद भी अपने 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 यहाँ अपने देश को अपने गांव को डेवलप। बेटा मेरा ऐसा है कि मेरा माँ के पूछे एक टेक कदम नहीं डालता है, मेरा बेटा मेरे लिए भगवान है। देखिए माता पिता बच्चों के लिए माता पिता भगवान होते हैं, लेकिन आज माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा, इतना ना मुझे सर ऊंचा कर दिया कि आज मेरा आ रहा है आँख से आँसू, मेरा बेटा बहुत हमारा सिर ऊंचा कर दिया सर, मैं बहुत खुश। ये माँ है, और माँ को आप देख रहे हैं, माँ की आंखें भर आई, और माँ का कहना है कि आज बच्चों ने मेरे लिए किया, हम क्या, हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान। दिखा दिया मैंने आज इस जगह पर खड़े हैं, मेरे बच्चों इतना माँ का प्यार देता है कि इतना सबके भगवान बच्चा दे करे ऐसा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जो लोग विदेश में रहता है, दुबई और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, वो तो अपने मातृभूमि को लोग भूल जा रहा है, और यहाँ देखा गया आप लोग की संस्कृति और सभ्यता की, आपकी माँ की आँखें डबडबा गई कि नहीं, बच्चे हमेशा जो बच्चे होते हैं बच्चों के लिए माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन आज आपकी माँ ने कह दिया कि हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान है, बहुत बड़ी बात, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष, ये तो जन्मभूमि है, इसका ऋण है, हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी और करना बाकी है, तो हम लोग तो पूरे दिल से सेवा करेंगे जितना बन पाएगा, और अच्छा से अच्छा करेंगे। हमारे सूफी भैया उनकी सोच की मैं तारीफ़ करता हूँ, कमाने को तो बहुत से लोग जाके बाहर कमा रहे हैं, लेकिन कुछ कमाने के बाद अपने ज़िला में वो जो कर्ज है वो वापस कर रहे हैं, इसका हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यही मनोज सिंह है और जिनकी चर्चा होती है, दुबई में रहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि दुबई में रहने के बाद भी अपने यहाँ की जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए जिस तरह का अपनी माँ के हाथों से इन्होंने उद्घाटन कराया, सबसे बड़ी बात है, ये वाकई तारीफ़ काबिल है। और इन लोगों ने बताया है कि आप कहीं भी रहिए, अपने संस्कृति को अपनी माँ को न भूलें, जहाँ भी आप भले ही दुबई में रहिए अमेरिका में रहिए, लेकिन अपने हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि को अपनी माता को जरूर याद रखेंगे। क्या सर, क्या कहें? पहले ही बोल चुके हैं, हमारे भैया को बहुत बहुत बधाई, और हमारे भैया इसी क्षेत्र से हैं और हम लोग के भाई हैं, तो इनका सहयोग भी है इसमें और रहेगा,
7:30 नहीं आरा के लिए ये सुखद संयोग है कि यहाँ पे इस तरह के नए आधुनिक हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी और हम 24/7 यहाँ सुविधा उपलब्ध है, तो ये बेहतर से बेहतर इलाज मिले लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी, इसके ये बहुत अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं।